इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुलायम सिंह के सेहत से जुड़ी हुई। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य के लिए की गई इमरजेंसी मीटिंग, बड़ी तादाद में समर्थक कर रहे मुलायम सिंह के लिए दुआएं। अगर सही है मुलायम सिंह की तबीयत तो क्यों जा रही इमरजेंसी बैठक, शाम 7 बजे कराई गई थी मुलायम सिंह की जांचें। अनुमान लगाया जा रहा है जांचों की रिपोर्ट आने के बाद बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग। सुबह खबर आई थी मुलायम सिंह की हालत में सुधार, फिर क्यों बुलाई गई डॉक्टरों की इमरजेंसी मीटिंग। मुलायम सिंह से मिलने पहुंचे राम गोपाल यादव, आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम। मुलायम सिंह को सांस लेने में आ रही थी दिक्कत, कई बार उठ रही थी खांसियाँ। आपको बता दें मुलायम सिंह की सेहत को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है। मुलायम सिंह की सेहत को लेकर डॉक्टरों ने मेदांता में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग के बाद क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं ये अपने आप में बड़ा अहम होगा, देखने वाला है। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टरों ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। मीटिंग के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कुछ ठीक नहीं है। मुलायम सिंह के लिए दुआओं का दौर जारी, मुलायम सिंह के समर्थक कर रहे हैं मुलायम सिंह के लिए दुआएं। कुश्ती और राजनीति के पहलवान को बीमारियों ने जकड़ा, अखिलेश यादव मेदांता में मौजूद। मीटिंग के बाद लिए जा सकते हैं कई अहम निर्णय। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी कि मुलायम सिंह की सेहत को लेकर मेदांता में डॉक्टरों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। हालांकि सुबह एक सूचना मिली थी कि लगातार मुलायम सिंह के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। अगर लगातार सुधार होता जा रहा है फिर स्वास्थ्य और सेहत को सही करने के लिए डॉक्टरों को क्यों इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी है, ये अपने आप में सबसे बड़ा और अहम सवाल है। हालांकि ये खबर आने के बाद लगातार समर्थक मुलायम सिंह के सेहत में सुधार को लेकर लगातार दुआएं कर रहे हैं। हालांकि उधर बैठक कर डॉक्टर भी कई अहम निर्णय ले सकते हैं। शाम 7 बजे मुलायम सिंह की कई जांचें कराई गई थी, यह माना जा रहा है उनकी भी रिपोर्ट आ चुकी हैं। उन रिपोर्टों के आधार के बाद ही अब इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। देखते रहिए यूपी अपडेट में आप मुलायम सिंह की सेहत से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट।